जी साहब आइए हमसे जानकारी लेते हैं। सर ये कोरेगांव के अंदर भीमा कोरेगांव के अंदर जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगाड़ने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए निंदा की जाए वो कम है। और दूसरे रूप में कहा जाए कि सरकार की ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से बनती है कि उनको इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, 200 साल पूरे हुए थे और उसको जो आयोजन हो रहा था उसमें पूरे दुनिया के देश के कोने कोने से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की थी जो सरकार ने जिसका निर्वहन नहीं किया। और परिणाम स्वरूप कुछ असामाजिक तत्वों ने या जो भी सो कॉल्ड जो भी तत्व वहाँ पर थे उन्होंने वहाँ पर जो भी ये मारपीट की, आगजनी की, हत्याएं की, ये सरकार को इसकी देखभाल करनी चाहिए थी, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इसकी रोकथाम के उनको उपाय करने चाहिए थे जो नहीं हुए। तो हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करेंगे, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकारों से भी, कि भारत का आदिवासी, भारत का मूल निवासी, भारत का शेड्यूल कास्ट, भारत का शेड्यूल ट्राइब, भारत का गरीब आदमी इस देश के विकास के लिए 24 घंटे कार्य कर रहा है, ईमानदारी से कार्य कर रहा है। आप लोगों के घरों में बर्तन साफ ये लोग कर रहे हैं, आपके घरों में नौकरी कर रहे हैं, आपके खेतों में काम करके ये गेहूं धान पैदा करके देश को कृषि प्रधान बना रहे हैं, आपके शहरों में ये सरिया उठा रहे हैं, ईंटें उठाकर देश का शहरी विकास कर रहे हैं, देश के चहुमुखी विकास में देश का अनुसूचित जाति जनजाति गरीब समाज तबके का जो समाज है वो देश के विकास के लिए 24 घंटे काम कर रहा है, उसके बावजूद भी इनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की जा रही है, ये देश के विकास के लिए, देश की सहिष्णुता के लिए एक बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, राज्य सरकारों को इसमें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की जो ऊना कांड हुआ उसके बाद सहारनपुर, अगर ऊना कांड में कार्रवाई हो गई होती। आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया, ऊना कांड हुआ, सहारनपुर कांड के अंदर आपने 500 पेज की लगभग एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया गया था, ऐसे 500 पेज का ही दिया है आपने, उसके बावजूद इतनी बड़ी बड़ी घटना होने के बावजूद प्रधानमंत्री या SC ST आयोग के चेयरमैन या ये बातों को क्यों नहीं समझ रहे हैं, इस तरीके की घटना को क्यों नहीं संज्ञान ले रहे हैं? देखिए ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि जब ऊना का कांड हुआ था तो हमने एक बहुत बड़ा ज्ञापन जो है भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया था, उसके बाद में फिर दूसरा जो रोहित बोमुला वाला मामला उसमें भी हमने एक रिप्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री कार्यालय में दिया, इसके बाद में फिर ये जो सहारनपुर वाला मसला हुआ इसमें भी हमने एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन 500 पेज का प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा कराया। और उसके बाद में अभी LIC के एक अधिकारी हैं कार्यकारी कार्मिक, उन्होंने कहा कि शूद्र पशु और नारी ये हैं ताड़न के अधिकारी, उसमें भी एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेशन जो है भारतीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन प्रतिवेदनों पर किसी प्रकार की कृत कार्रवाई से आज तक हमको अवगत नहीं कराया गया और आज भी हमने एक प्रतिवेदन तैयार किया है जिसमें प्रधानमंत्री जी को इन सभी जो हमने मुद्दे उठाए थे उनकी एक कॉपी लगाई है, वो हम एक कॉपी आपको भी दे रहे हैं। तो उसमें उन्होंने, हम आज भी उनसे मांग करते हैं कि इन सभी जो भी ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो भी ये अत्याचार हो रहे हैं, जो भी अन्याय हो रहे हैं, इन पे माननीय प्रधानमंत्री जी आप राष्ट्र के शासन अध्यक्ष हैं और आप राष्ट्र शासन अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के गरीब तबके के लिए, देश के SC ST OBC के लिए, देश के माइनॉरिटीज के लिए आप सबके लिए सुरक्षा व्यवस्था का प्रॉपर इंतजाम करें, एक अच्छा माहौल देश में पैदा करें जिससे सब लोग सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ इस देश के विकास के लिए कार्य कर सके। सर माननीय प्रधानमंत्री जब ऊना के अंदर कांड हुआ तो कहा कि उन दलितों को मत मारो, मेरे सीने पे गोली मारो। एक प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे सीने पे गोली मारो। प्रधानमंत्री जी का इस वक्तव्य में क्या सोच रहा, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी तो टोटल 24 घंटे SPG में रहते हैं, उनके पास तो इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई आदमी घुस भी नहीं सकता, उनको गोली मारने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब उन्होंने ये बात किस इंप्रेशन में कही प्रधानमंत्री जी ने, निश्चित रूप से इस बात कहने की आवश्यकता उनको नहीं थी, आवश्यकता इस बात की थी कि ऊना के मसले में जिन लोगों ने ये भी मारपीट की, जिन्होंने अत्याचार किया, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और मेरा मानना यह कि ऊना वाले मामले में अगर गंभीरता से लिया गया होता तो सहारनपुर का कांड वहां पर नहीं हो पाता और सहारनपुर कांड में जिस तरीके से जांच की गई है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा चंद्रशेखर आजाद की जमानत देने के बावजूद रासुका लगाकर उनको जेल में बंद किया गया है, ये निश्चित रूप से इससे बड़ा अन्याय अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ कोई हो नहीं सकता। और निश्चित रूप से सरकार
से हम मांग करते हैं, प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ये रासुका चंद्रशेखर आजाद पर तुरंत उठाया जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब मामलों को लेकर के देश का दलित जो इकट्ठा हो रहा है, पोलराइज हो रहा है, जिस तरीके से महाराष्ट्र बंद हुआ है, कहीं भारत के दलितों को, पूरे देश को बंद करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, ना होना पड़े, ना होना पड़े। चौधरी साहब, जब आप दलितों की बात करते हैं, जो दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 132 और 435 विधायक जो बैठे हुए हैं, वो इस तरीके की किसी भी घटना पर अपनी जबान खोल नहीं रहे, क्या कारण है? देखिए, भारत के राजनेताओं की राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन भारत के आम दलित समाज के आदमी की, एससी समाज की, एसटी समाज की कोई मजबूरी नहीं है। वो अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते अगर कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, तो उनको हमारा उनसे निवेदन है कि उनको वो 25% के बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण से लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं, वो हमारे आरक्षित पदों से चुनकर जाते हैं, वो हमारे आरक्षित जो है प्रतिनिधि हमारे समाज के, उनको हमारी आवाज़ को लोकसभा में उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, उठाना ना चाहिए। अगर वो 25% का आरक्षण से चुनकर जाते हैं, उसके बाद भी हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम अपने नेताओं से, अपने मंत्रियों से, अपने सांसदों से मांग करते हैं कि उनको समाज की इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए, समाज के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लोकसभा में उठाना चाहिए, और जो ये जायजतियाँ हो रही हैं, इन पर अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। केपी चौधरी जी, आप कई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि इन बातों को नहीं सोचा जाता, प्रधानमंत्री या हमारे जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज के नेता हैं, अगर इन बातों को नहीं उठाते, तो आप और आपका संगठन और आपका समूह अगला कदम क्या उठाएगा? देखिए, इस संबंध में ऑलरेडी महाराष्ट्र में बंद का ऐलान हुआ, बंद सफल रहा और लोकसभा में इस पर चर्चा हुई है, और लोकसभा में चर्चा होने के बाद में सरकार को इस पर वक्त भी देना पड़ा है, तो निश्चित रूप से सरकार को इसकी चिंता तो हुई है, लेकिन हम यह उम्मीद करेंगे कि सरकार केवल चिंता ही ना करे, इस पर आवश्यक कदम उठाए और भविष्य में ऐसे कांडों की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम गैर राजनीतिक सामाजिक आंदोलन की एक सोच रखते हैं। इतिहास गवाह है कि 1997 में हमने दिल्ली में महारैली की, 1998, 1999, 2000 में लाखों लोगों को दिल्ली की धरती पर हमने बुलाया, संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 में कराने में हम लोग कामयाब हुए। अपने समाज की लड़ाई को पिछले काफी लंबे वर्षों से हम लड़ते आ रहे हैं, और अगर आवश्यक अब समझा जाएगा, समाज की आवश्यकता होगी, समाज का तकाजा होगा और समाज का फैसला होगा, तो समाज के फैसले के हिसाब से आने वाले समय में आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी, और सरकार से ये अनुरोध किया जाएगा कि ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा।